खबर शिवपुरी से है, जहां मौसम ने अपना रुख बदल लिया है। हल्की हवा के साथ बारिश भी हुई, जहां किसानों की लहरा रही फसल को भी बारिश की वजह से प्रभावित हो रही है। आपको बता दें कि किसान को भी इस बारिश का काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, जहां खड़ी सरसों की फसल पर भी प्रभाव इस बारिश का पड़ रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? रमन शर्मा। कहाँ रहते हो? शिशुपुरम कॉलोनी शिवपुरी, वैसे गांव मेरा टोरिया बेराड़ के पास। अच्छा, ये जो अचानक जो मौसम में परिवर्तन आया है, क्या कुछ कहोगे आप इस बारे में? जी, मौसम का तो ऐसा है कि बच्चों के लिए बीमारियाँ हैं, बाहर जाएंगे बच्चे हवा में, बात बच्चे तो कमी मानते हैं घर वालों की, फिर भी डांट के रखें बच्चों को। और सबसे बड़ी कारण है इसका, जो कि नुकसान हुआ है किसानों को, सरसों का और भी फसल है अपनी, धनिया वगैरह। मेरी खुद सरसों है, अभी सरसों निकली थी हाल ही आज, तो वो ढक नहीं पाई, तो नुकसान हो चुका है मेरा खुद और सभी किसानों का नुकसान हुआ है जहाँ तक, तो वो तो बहुत ज़्यादा नुकसान है। और अभी बारिश खुलने के कोई आसार दिख नहीं रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि ये समथिंग 3-4 दिन तो होनी है, नेट ने भी वही बताया है, तो बहुत भारी भरकम मात्रा में नुकसान होना है किसानों को, जैसे उनकी काफ़ी ज़्यादा हानि होगी उनकी फसल की, और बहुत हद तक नुकसान है। सरकार से मेरी गुजारिश है कि उनको फसल बीमा और हद तक बढ़ा के कुछ दिया जाए, जिससे कि उनकी क्षतिपूर्ति हो सके और किसान थोड़ा अपनी स्थिति में सुधार कर सके।